और बंटाई क्या बोलते तुम? तो गाइस गाना आ चुका है एमवी बंटाई का, जो कि होने वाला है बोलना तू बंटाई। पहले मुझे लगा बोलना तू बंटा बनता है, इस टाइप से कुछ होगा बंटाई। क्या होने वाला है, कैसा गाना होने वाला है पता नहीं। बहुत लोगों ने डिमांड करी थी जब ये आने वाला था तभी, ठीक है। मैं भी रेडी थी तब से, जब से मैंने देखा था कि लाइव आके उन्होंने बोला था कि आने वाला है, ड्रॉप होने वाला है। बस टाइमिंग गलत है यार ड्रॉप होने के, रात को 12 बजे कौन देख पाएगा, कौन रिएक्ट कर पाएगा बताओ। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे तो करना चाहिए रिएक्ट, तो हम लेके आएंगे जब भी वीडियो आएगी। तो अभी देख लेते हैं कैसा गाना होने वाला है, आप लोग देख चुके हो बट रिएक्शन देख लो साथ में। तो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। एंड साथ में मैं पीऊंगी चाय, ठीक है। बहुत ज्यादा ही ठंडा है यहाँ पे गाइस, बताना आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके स्टार्ट। कुछ मेलोडी टाइप की होने वाली है ना। अभी अंदर से बोलता हूँ, जब भी मैं खड़ा सामने माइक के, ये बोलेगा भी बोलता हूँ, क्या करूँ इतनी सारी। ये आवाज बच्चे की जैसी आ रही है, आवाज ही ऐसी आ रही है, मेरा हेडफोन खराब हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा। खड़ा सामने माइक के, ये बोलेगा भी बोलता हूँ, क्या करूँ इतनी सारी चीजें हो लाइफ में, ये बोलेगा भी बोलता हूँ, क्या करूँ इतनी सारी चीजें हो लाइफ में, बोलना तो बनता है, बोलना तो बनता है। अच्छा ये बोलते हैं, काफी बोलता है क्योंकि, तो मैं क्या करूँ इतनी सारी चीजें हुई है लाइफ में, बोलना तो बनता है, बोलना तो बनता ही, ऐसा ही तो बोलना ही है। बोलना तो बनता है। काफी अंदर से बोलता हूँ, बोलता हूँ, जब भी मैं खड़ा सामने माइक के, बोले काफी बोलता हूँ। ये बढ़िया है, बट यार ये बताओ मेरे को, स्टार्टिंग में वैसा क्यों रखा, वैसा रखते हैं क्या, ऐसा क्यों रखते हैं, मतलब ऐसे स्टार्ट हो जाता वो सही भी है बट अलग सा थोड़ा, मैं डर गई पहले भी बोला मेरा ये खराब हो गया ईयरफोन हेडफोन, क्या करूँ लेके रखा घर पे दिन। एक मिनट मैं बैक करूंगी फिर से। काफी अंदर से बोलता हूँ, बोलता हूँ, जब भी मैं खड़ा सामने माइक के, ये बोले काफी बोलता हूँ, क्या करूँ लेके रखा घर पे 3-4 माइक में, ये बोले काफी बोलता हूँ, क्या करूँ इतनी सारी चीजें हुए लाइफ में, तो बोलना तो बनता है, बोलना तो बनता है, बोलना तो बनता है, बोलना तो बनता है बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं बोलना तो बनता है। मैंने कहा था ना मुझे भी ऐसा ही लगा, बोलना तो बनता है ऐसा। अभी अंदर से बोलता हूँ, अंदर से, जब भी मैं खड़ा सामने माइक के, ये किससे बोलना ही बोलता हूँ, बोलता हूँ, क्या करूँ इतनी सारी चीजें, बोला तो बनता है, फर्क पड़े मुझे घंटा है, तलब लगे मुझे गाने बनाने की, तभी तो फला ये बनता है, मैं तो कभी का बोला था बनता है, मेरे गाने सुनेंगे ये वन टाइम नहीं, 100 बार फिर भी पकते नहीं, कौन हार्ड मुझे वक्त ही नहीं, क्यों खुद में हार्ड मैं और पे क्यों ध्यान में दूं, कितना भी हो हार्ड टाइम तुझे मैं ना जाने। अरे ये कैसा स्विच हुआ, बोला तो बनता है, फर्क पड़े मुझे घंटा है, तलब लगे मुझे गाने बनाने की, तभी तो फैला ये बनता है, मैं तो कभी का बोला था बनता है, मेरे गाने सुनेंगे ये वन टाइम नहीं, 100 बार फिर भी पकते नहीं, कौन हार्ड मुझे वक्त ही नहीं, क्यों खुद में हार्ड मैं और पे क्यों ध्यान में दूं, कितना भी हो हार्ड टाइम तुझे मैं ना जाने दूं, बाकी होगी तरह मैं ना बहाने दूं, कितना भी हो हार्ड टाइम फिर भी सबको गाने दूं, जो मैं चाहा हूं वो मैं पाया हूं, कितना छोटा सा गाना है, 2.5 मिनट का गाना है, ढाई ओ भाई 2.5 मिनट का गाना है, ओ भाई वाओ। कुछ कुछ सॉन्ग ऐसे होते चाहिए हैं हमको, इतना छोड़ा नहीं चलेगा, कितनी मतलब अलग सी वाइब थी पता है। सच बताऊँ तो मेरे को वैसा ही लगा था, कुछ स्टार्टिंग ही कुछ वैसे हो गई, ठीक है, क्योंकि टोन वैसी बज रही थी, बट
जो हम सोचेंगे एमवी में उससे दोगुना कुछ अलग ही करके दिखाएंगे, तो वही था यहाँ पे। जैसे वो बच्चे वाली वॉइस पहले डाली है, मतलब वो अगर मुझे लगता है वो नहीं होती, कुछ और होता तो उससे और ज्यादा फील होता। मुझको ऐसा लगता है वो क्या चीज है, क्यों डालते हैं, ये सब मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बता देना। हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग हो सकता है आप लोगों से, आप लोगों का टेस्ट अलग होगा, मेरा अलग है, मतलब मेरा ही मानना, क्योंकि मैं सोच के वैसा कुछ चल रही थी। भाई जो स्विच हुए ना इसमें रैप करते करते सीधे वो इमोशनल वाला जो स्विच हुआ था गाने की लाइन क्या थी, एक वॉइस लाइन जो थी कि जो मैंने पाया है मतलब वो मुझे मिल गया टाइप का जो भी था वो। फिर वो बोलता है कि तेरी रहम, तेरी क्या है रहम है, इस टाइप से जो बोलते हो। वाह, वो वाला जो वो जो पहला था बहुत ही बढ़िया था, मजा आ गया उसमें। उसके बाद जब भी मैं माइक में गाता हूँ काफी अंदर तक की बात करता हूँ। सच में यार एमी बहुत टैलेंटेड है, माँ कसम। मतलब आप देखो बीफ, पहले मुझे लगता था कि बीफ वाले गाने बहुत बढ़िया गाते हैं, ठीक है, फिर मैंने बीफ वाले सुने तो मजा आ रहा था, मतलब एक अलग इनका एटीट्यूड, अलग एक तरीका होता है गाने का। उसके बाद फिर मचाएंगे टाइप के सॉन्ग आए तो थोड़े वैसे आ ले, तो मुझे लगा यार ये भी बढ़िया गाते हैं, ठीक है। उसके बाद आया ये जो मैं सुनने लगी हूँ आजकल, मामा मामा प्यार, ये सब भाई एक ही तरफा, भाई एक तरफा है सब के सब। उसके बाद ये मतलब जो वाइब रहती है गानों की ना बहुत ही बढ़िया रहती है, बहुत प्यारी वाइब रहती है। सैड सॉन्ग, लूफी सॉन्ग, मेलोडी, ये सब वाले जो सॉन्ग होंगे ना आपको बिल्कुल सैड फील करके नहीं सुनने को मिलेंगे, मतलब फील करोगे आप हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, मजा आएगा आपको सुनते हुए, बट ऐसे करके सुनोगे आप इंजॉय करते हुए। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कब कौन सा स्विच आ जाए नहीं सोच सकते आप। बाकी आपको लगता है मैं नहीं समझी हूँ कुछ या मैं कुछ समझना चाहिए, आप मुझे वो भी समझा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इनका गाना आएगा वो सुनेंगे पक्का से, ठीक है। अब इसको एंड करते हैं, बाय। मस्त रहो, मजे में रहो, बढ़िया रहो, मेरी वीडियो देखते रहो, बाय।